नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको एक योगा सिखाने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं बालासना। बालासन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? बच्चों का आसन, जो बच्चा माँ के पेट में रहता है वो आसन। तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं। पहले करना सिखाता हूं, फिर हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो देखिए, बालासन करने का सबसे इजी तरीका है, ऐसे आप बैठ जाए, यूं पैर फोल्ड किए आपने, ये दिख रहा है, ये कमर की रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट। फिर अब आप नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे, एकदम नीचे चले गए। अब ये आप बिल्कुल लेट चुके हैं, रिलैक्स। अब हाथ पीछे, ऐसे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक आप करें। कब करना है, पहला क्वेश्चन ये है, क्यों करें, कब करें? जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई वर्कआउट, हैवी वर्कआउट कुछ भी करने जा रहे हैं, उससे पहले ये बालासन करें। जब आपका हैवी वर्कआउट कंप्लीट हो जाए तो बालासन करें। कौन नहीं करें इसको? जिनकी कमर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं कर सकते, जिनके शोल्डर पेन है वो नहीं कर सकते, ठीक है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अब इसको करने के फायदे क्या है, क्यों करें हम, बेनिफिट्स क्या है, इससे क्या होता है ऐसा करने से? देखिए, इसको करने से आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आपको थकान नहीं होती, आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, घुटने मजबूत होते हैं। पर जिनको दर्द है वो कर नहीं पाएंगे, वो डिस्कम्फर्ट में रहेंगे, इसलिए उनको मना है, ठीक है। बाकी घुटनों का दर्द नहीं होगा, कमर दर्द नहीं होगा, शोल्डर पेन नहीं होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद अच्छी रहेगी। जो लोग घबराहट, बेचैनी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही रिलैक्स और शांति प्रोवाइड करने वाला है। तो याद रखें, बालासन, एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद 2 बार आपको करना है, चाहे आप सिंपल वॉक करते हैं। और इसके बहुत बेनिफिट हैं, 2, 3, 4, 5 मिनट जितना करना चाहें कर लें, ठीक है, तो बॉडी रिलैक्स होगी, अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें।